वुड एक ऐसा वर्ड है जिसे आसान होते हुए भी कंफ्यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कई सारे मीनिंग्स हैं। आज हम इन सब यूजेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि आपके मन में कोई भी डाउट टिका ना रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वुड क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। वुड एक मॉडल है। मॉडल में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जैसे कि शुड, कुड, कैन, मे, माइट। तो इसमें से वन ऑफ द मॉडल्स इज वुड। सबसे पहले वुड का मीनिंग क्या है, सबसे पहले इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। इसका मीनिंग होता है विश के साथ। अगर आप विश यूज़ कर रहे हो, अगर आप किसी चीज़ के लिए विश यूज़ कर रहे हो तो आप उसके साथ वुड का यूज़ करोगे। जैसे कि आप विश करते हो कि ऐसा हो जाए, आप विश करते हो कि ऐसा हो जाए तो आप विश का वुड का यूज़ करते हो विश के साथ। टू टॉक अबाउट समथिंग यू वॉन्ट टू हैपन और नॉट हैपन, आप उसके उस चीज़ के बारे में बात करते हो जब कि ये चीज़ हो जाए या ये चीज़ ना हो, तो वहाँ वुड का यूज़ करते हो। जैसे कि आई विश, मैं विश करता हूँ यू वुड स्टडी हार्डर दिस टाइम, मैं विश करता हूँ कि तुम अभी ज़्यादा मेहनत करोगे। इट यहाँ से हमें क्या एक इंसिनुएशन मिल रही है कि शायद ये बंदा फेल हुआ होगा लास्ट टाइम, इसीलिए कोई बंदा और इसे सलाह दे रहा है कि मैं विश करता हूँ कि तुम अभी इस टाइम मतलब नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मेहनत करोगे। तो आई विश यू वुड स्टडी हार्डर दिस टाइम। या और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, आई विश यू वुड स्टे क्वाइट व्हेन आई स्लीप, आई विश यू वुड स्टे क्वाइट व्हेन आई स्लीप, मैं विश करता हूँ कि तुम चुप रहोगे जब मैं सोता हूँ, जब मैं सोऊंगा। नेक्स्ट इसका मीनिंग है यू टू टॉक अबाउट द रिजल्ट ऑफ समथिंग यू इमेजिन। कभी कभी हम चीज़ों को इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। जैसे कि कभी किसी बंदे के छोटे हेयर होते हैं तो हम कहते हैं कि तुम बड़े हेयर के साथ ज़्यादा अच्छे लगोगे, क्योंकि हम वहाँ इमेजिन कर रहे हैं कि बड़े हेयर के साथ या छोटे हेयर के साथ तुम अच्छे लगोगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ आर इमेजिनेशन हम वहाँ वुड यूज़ करेंगे। यू वुड लुक बेटर विद लॉन्ग हेयर, तुम यू वुड। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया तो वुड के बाद वर्ब का यूज़ होगा। यू वुड लुक बेटर, तुम अच्छे लगोगे विद लॉन्ग हेयर। इट मीन्स कि अभी उसके शॉर्ट हेयर है, ये इमेजिन कर रहा है कि लॉन्ग हेयर के साथ वो अच्छा लगेगा, तो यहाँ वुड का यूज़ होगा। नेक्स्ट इसका मीनिंग है पास्ट हैबिट्स। जब हम पास्ट हैबिट्स बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं तो हम कैसे यूज़ करते हैं, कभी कभी हम ये कहते हैं कि यार पास्ट में ये हुआ करता था, जब मैं छोटा था तो मैं ये किया करता था, तो उस कंडीशंस में ये हम वुड इसे वुड हम यूज़ कर सकते हैं। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, सबसे पहले ये तो कॉमन है, ये तो सिंपल सेंटेंस है। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, आई वुड विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट किया करता था। इट मीन्स कि शायद वो अभी विजिट नहीं करता, एज ए चाइल्ड वो किया करता था। आई वुड विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करता था एवरी समर, जब भी गर्मी आती थी। और एग्जाम्पल लेते हैं, ही वुड ऑलवेज अराइव लेट फॉर द मीटिंग, वो हमेशा मीटिंग के लिए लेट पहुँचा करता था। He would always arrive late for the meeting. ये किसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं कि वो हमेशा पास्ट में जब हम मीटिंग्स रखा करते थे तो वो हमेशा लेट पहुंचा करता था। तो इस कंडीशन में उसने वुड का यूज़ किया है किसी की पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए। नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट्स एंड ऑफर्स। जब आप किसी को रिक्वेस्ट्स कर रहे हैं या किसी को ऑफर दे रहे हैं तब भी हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी को चाय देनी हो तो हम कह सकते हैं वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी। या और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वुड यू माइंड पासिंग मी सॉल्ट प्लीज़, क्या आप मुझे सॉल्ट पास कर सकते हैं प्लीज़। वैसे माइंड का थोड़ा और यूज़ भी होता है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मतलब इसका सिंपल ये है कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी। इट मीन्स कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी मुझे ये सॉल्ट पास करने में, तो आंसर होगा नो। अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है सामने वाले बंदे को तो वो कहेगा नो, और उन्हें सामने वाले बंदे को सॉल्ट पास कर देगा। नेक्स्ट है वुड यू बी इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग अ टीम, कि आप हमारी टीम को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होंगे। ये किसी को ऑफर दे रहा है कि आप ज्वाइन कर लो, आप इंटरेस्टेड होंगे क्या, आप इंटरेस्टेड होंगे क्या। वुड यू बी इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग अ टीम, क्या आप इंटरेस्टेड होंगे हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए। अब ये ऑफर दे रहा है, ऑफर दे रहा। तो ये चार हमारे यूजेस होंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर इन द पास्ट।
जब आप पास्ट में जाके फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, तो अब हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि उसने कहा कि वो ये करेगा, जैसे कि हम प्रेजेंट में हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि उसने कहा पास्ट में जाके कि मैं ये करूँगा फ्यूचर में, कि मैं ये करूँगा फ्यूचर में, तब हम वुड का यूज़ करेंगे। ही प्रोमिस्ड, उसने प्रोमिस किया, मतलब पास्ट में। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ बात करने वाले यहाँ हैं, तो ये किसी की बात सुना रहा है कि इसने पास्ट में प्रोमिस किया। ही प्रोमिस्ड ही वुड कॉल मी लेटर, उसने मुझे प्रोमिस किया कि वो मुझे कॉल करेगा लेटर ऑन। या प्रेजेंट भी उसका फ्यूचर हो सकता है, या प्रेजेंट जब भी ये बात कर रहा है वो भी इसका फ्यूचर हो सकता है, या इसके भी पीछे, पर पास्ट का फ्यूचर होना चाहिए, पर उस बात का फ्यूचर होना चाहिए। ही प्रोमिस ही वुड कॉल मी लेटर, उसने मुझे प्रोमिस किया कि फ्यूचर में वो मुझे कॉल करेगा, इसीलिए विल की जगह हम यहाँ वुड का यूज़ करते हैं। दे नू इट वुड रेन द नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे, उन्हें पता था कि अगले दिन बारिश होगी, अगले दिन रेन होगी, तो उन्हें पास्ट में पता था कि फ्यूचर में रेन होगी, यानी कि अगले दिन रेन होगी। दे न्यू इट वुड रेन द नेक्स्ट डे। आई नो ही वुड नॉट पास द टेस्ट, आई नो ही वुड नॉट पास द टेस्ट, मुझे पता था कि वो टेस्ट पास नहीं करेगा, शायद मुझे दिख गया था कि वो मेहनत नहीं कर रहा। आर लास्ट यूज़ अभी कौन सा है, वुड का कंडीशनल स्टेटमेंट्स में है। जब हम कंडीशंस को इमेजिन करते हैं कि यार अगर ऐसा होता तो ऐसा ना होता, या अगर ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत गया, वन द लॉटरी पास्ट टेंस की बात है, बट ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि अगर ऐसा हो गया, इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाई ए न्यू कार, मैं कार खरीदूंगा। अब सेकंड फॉर्म लगाई है इसने, इट मीन्स कि बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है इसके जीतने की, क्योंकि वहाँ लाखों बंदों ने अप्लाई किया होगा लॉटरी के लिए। इफ़ आई वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं एक नई कार खरीदूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ शी वर हेयर, अगर वो यहाँ होती, अब हम वर की जगह वॉज भी लगा सकते हैं वैसे यहाँ, इफ़ शी वर हेयर, अगर वो यहाँ होती, शी वुड हेल्प अस विद द प्रोजेक्ट, वो हमारे प्रोजेक्ट के साथ हेल्प करती, वो हमारा प्रोजेक्ट में हमारा हेल्प करती, अगर वो यहाँ होती। वैसे इस कंडीशनल पे मैंने एक और वीडियो भी बना रखी है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। तो सबसे पहले इसे रिवाइज करते हैं, सबसे पहले विश के साथ, अगर किसी चीज़ के लिए विश करना हो तो सामने हम वुड लगा देते हैं। अगर हम रिजल्ट एक इमेजिनेशन का बताना चाहते हैं तो भी हम यूज़ कर सकते हैं वुड, जैसे कि यू वुड लुक बेटर विद लॉन्ग हेयर। पास्ट हैबिट्स, पास्ट में बताने के लिए कि ये हुआ करता था, आई वुड विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर। पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। फ्यूचर इन द पास्ट, पास्ट में फ्यूचर बताने के लिए, ही सेड ही वुड नेवर कॉल मी अगैन, ही सेड ही वुड नेवर कॉल मी अगैन, उसने कहा वो मुझे कभी भी कॉल नहीं किए करेगा। नेक्स्ट है कंडीशन, कंडीशनल में, जैसे कि इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत गया, आई वुड बाई अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदूंगा। आई होप कि आज की वीडियो में वुड के सारे यूजेस आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कंडीशनल्स में डिफिकल्टी है तो आप ये वाली इस वीडियो के बाद वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।